बजट में टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स को लेकर स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कई ऐसे बदलाव हैं जिसका लोगों पर असर पड़ेगा। और इसके अलावा और क्या बदलाव हुए हैं ये समझने के लिए हम बात करते हैं AKM ग्लोबल के टैक्स पार्टनर अमित माहेश्वरी से। अमित जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही होगा कि स्लैब तो नहीं बदला लेकिन बहुत कुछ बदला है, वो क्या है? धन्यवाद राजेश जी। देखिए, ऐसा है, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम सब आम जनता को भी प्रभावित होंगी। जैसे एक इन्होंने करा है कि जो इंटरेस्ट है प्रोविडेंट फंड पे, तो अब ये हो गया है कि जी अगर 2.5 लाख से ऊपर का अगर आपका कंट्रीब्यूशन है जो आप वॉलंटरली करते हैं, उस पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको इंटरेस्ट पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो आई थिंक ये जो एक ऐसी चीज है जो काफी लोगों को अफेक्ट कर जाएगी, जो कि लोग पैसा ज्यादा बचाते थे, प्रॉफिट ज्यादा कट पाते थे। दूसरा, यूलिप है, जो यूनिट लिंक्ड प्लान है जो काफी पॉपुलर हो गए थे, उस पे भी अब इन्होंने जो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था उस पे इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन पे कुछ इन्होंने बोला है कि हमें हर केस में नहीं देंगे। जहाँ पे आपका 2.5 लाख से ऊपर आपका प्रीमियम है तो वो आपका जा रहा है तो आपको यूलिप के एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये एक और चीज है जिससे कई लोगों को अफेक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों ने यूलिप्स लिए थे क्योंकि उसमें शेयर मार्केट का वो भी मिलता था, इफेक्ट भी मिलता था। दूसरा, इन्होंने एक और चीज नहीं, पहले अगर आपका प्लान नहीं होता तो आपके टैक्स ज्यादा रेट पे कटता था। अब इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपका फाइलिंग नहीं करी आपने रिटर्न, तो फिर आपका टीडीएस ज्यादा रेट पे कटता। सैलरी वाले प्रभावित नहीं होंगे, पर बहुत बिजनेस वाले अगर वो लोग नहीं कर सकते तो उनका टीडीएस का रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी एक चीज है जो उनके दुगना हो जाए, दुगना या 5% जो भी ज्यादा हो, तो इससे काफी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि 3 चीजें जो है जो मेजर है, बड़ी चीजें हैं स्मॉल और मीडियम। लेकिन सीनियर सिटीजंस को थोड़ा सा प्रोसेस में राहत मिल गई एक तरह से। हाँ, उनको जरूर मिलता है। एक और जो बात उसमें कही गई है कि जो डिस्प्यूट को सुलझाने, टैक्स डिस्प्यूट को सुलझाने का जो तरीका होगा वो कुछ बदलने की बात की गई है, वो जरा समझाएं कि उससे किस पर फर्क पड़ेगा और कैसे काम करेगा। तो इसमें भी ये है कि जो छोटे टैक्स विवाद हैं उसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई हम आपको एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देंगे कि आपको हर बार लड़ना नहीं है, तो आप कैसे अपना सेटल कर सकते हैं, जो कि अभी तक बड़े बड़े कंपनियों को मिलता था, जनरली कंपनीज को या बड़ी कॉर्पोरेट्स को मिलता था। तो इन्होंने बोला है कि अगर आपका जो टैक्स है, टैक्स कंडीशन, वो अगर आपका 10 लाख से कम है या आपकी रिटर्न इनकम 50 लाख से कम है तो आप इसको अवेल कर, और उसमें आपको फिर ये इसको सेटलमेंट करेंगे। तो अभी स्कीम गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेंगे, निकाल के देंगे, बट अभी अभी के लिए आप ये मानिए कि ये सब लोगों पे सबको मिलेगा जिसका भी 50 लाख से कम इनकम है या 10 लाख से कम का एडिशन है। तो इससे जैसे फेसलेस असेसमेंट हो गया, फेसलेस अपील हो गया, और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये तीनों चीजों से अब छोटे टैक्स पेयर्स को तो बहुत राहत मिल जाएगी। एक बात और भी जो इन्होंने कहा है कि जो केसेस की रीओपनिंग होती है उसकी मियाद को घटाने की बात कही है, ये वाकई में इससे कुछ भला होने वाला है या जो गंभीर किस्म के टैक्स चोरी के मामले होंगे या ना देने के मामले होंगे वहां पर भी ये लागू हो, इसको जरा समझाइए। तो इसमें देखिए, जो असेसमेंट है ये 6 साल से इन्होंने 3 साल कर दिया, गंभीर मामलों पे ये रिड्यूस जो कम करी टाइम लिमिट भी दिखेगी। बट आपको एक बात समझनी, देखिए हम सबको जरूरी है कि आदमी जब टैक्स फाइल करता है उसको 6-6 साल तक उसको पता नहीं होता कि क्या मेरा खुलेगा तो नहीं। और हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि अगर कोई जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके अगेंस्ट आ गई, आपके आप जैसे टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट आ गए तो केसेस खुल गए। ऐसे ही 6 या 3 होने से आपको बड़ी राहत मिलेगी। और जब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन भी होते हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, जब ये मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशन हो गए, वहां पे भी आपको 6 साल तक की वारंटी लेनी पड़ती है कि कुछ पता नहीं 6 साल तक लिया जाएगा। तो बेसिक इसका कहने का मतलब है कि ये वित्त मंत्री ने कहा है कि आपको 3 साल में आपको सर्टेनिटी मिल जाएगी, इससे ज्यादा आपको हम परेशान नहीं करेंगे, ये बहुत ही राहत है। यानी ये डर नहीं होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपका केस ओपन कर दो और आपको आपके पीछे लग जाए, तो ये सीरियस क्राइम, सीरियस वो होंगे उसमें नहीं होगा। अब जैसे कि आपका जो फॉरेन एसेट्स है उसका 16 साल है, उसमें कोई राहत नहीं है, वो आपका आगे भी चलेगा। तो बट हाँ, नॉर्मल इंसान के लिए आप मान सकते हैं कि 3 साल के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे।
हम बजट से पहले जब चर्चा कर रहे थे अमित जी, तो हमने स्टार्टअप्स को लेकर बातें की थी कि उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है ताकि ये और बढ़े और बेहतर शेप में निकल कर आए, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स हैं उनमें क्या है इस बार? स्टार्टअप्स के लिए कोई खास राहत तो नहीं मिली है, जो पहले से चल रहा था उन स्कीमों को एक्सटेंड कर दिया गया है, जैसे उनकी जो टैक्स हॉलीडे था उनको जो टैक्स से बचत मिली थी वो बढ़ा दी गई है। उसके बाद उनका जो अगर आप अपने कैपिटल गेन्स को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टाइम भी फिर और एक्सटेंड कर दिया फैसिलिटी को। जो एक चीज हमारी वित्त मंत्री ने बोला कि भाई 1% कंपनी है, वो कहा उन्होंने कि वो उसमें हमने जो भी थ्रेशोल्ड थे वो सबके लिए हटा दिए हैं और सब कर सकते हैं 1% कंपनी, तो स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा होगा। तो मैं उनसे थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करता कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उन बहुत पैसा उठाना पड़ता है मार्केट से इन्वेस्टर से, तो 1% कंपनी में आप उठा नहीं सकते पैसे, तो हम स्टार्टअप को जरूरी होता है क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजीज में करते हैं, लॉसेज होते हैं, तो वो स्टार्टअप्स के लिए पॉपुलर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से स्टार्टअप्स के लिए कुछ खास राहत नहीं है, सब कुछ पहले ही काफी कुछ हो चुका था, हमें समझना चाहिए। बट हाँ, जो चीज स्कीम्स को एक्सटेंड कर सकते हैं तो एक्सटेंड जरूर कर दिया, बंद नहीं करा। बिल्कुल, इक्वलाइजेशन लेवी पर भी कुछ सफाई आई है, इसका क्या मतलब है, इससे कितनी क्लैरिटी आएगी? जी, इक्वलाइजेशन लेवी में तो इंडस्ट्री की बड़ी रिप्रेजेंटेशन थी कि क्लैरिटी नहीं थी, उन्हें लगता था कि इन चीजों पर लग सकता है, इन पे नहीं लगेगा, ये सब चीजों को क्लैरिफाई कर दिया है। और इनफैक्ट वो आप ये मान के चले कि वो नुकसान ही देगा उसका, जैसे एक चीज उन्होंने कह दी है कि भाई आपका जो कमीशन है, कमीशन अगर आप एक इंटरनेट प्रोवाइडर है, आप सिर्फ कमीशन कमा रहे हैं, सिर्फ उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, परचेज सेल पूरे पे लग जाएगा आपके। फिर उन्होंने बहुत सारे और एक्टिविटीज का स्कोप बढ़ा दिया है, पहले सिर्फ परचेज ऑफ सेल और गुड्स का ऑफर फॉर सेल भी कर दिया है, और इन्होंने परचेज ऑर्डर भी कर दिए हैं, तो इन्होंने स्कोप बढ़ा दिया उसका। और जो लोगों को राहत की उम्मीद थी, राहत कुछ नहीं मिली। एक चीज बस बोलिए कि अगर आपकी रॉयल्टी की तरह टैक्स हो रहा है तो उस पर नहीं लगेगा इक्वलाइजेशन, पर वो बाहर के कंपनियों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, वो एक अच्छी चीज है, बट उसके अलावा तो कोई राहत नहीं है। एक ऐलान और किया है कि IFSC में जो है फिनटेक हब बनाएंगे, इससे लगता है कि कुछ स्टार्टअप्स और ज्यादा उनके लिए अट्रैक्टिव बनेगा ये? IFC का देखिए वो पॉलिसी जो हम देख भी रहे हैं 3-4 साल से, IFC को हर जगह प्रमोट किया जा रहा है और उनके लिए एक से एक एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, तो इस बजट में भी और एग्जेम्पशंस मिली हैं, और सर्विस एयरलाइन ऑपरेटर्स इन सबको भी IFC में अलाउ कर दिया है। तो आई थिंक IFC बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, और अब ये इसकी शुरुआत ऐसी हो गई है कि अब आप देखेंगे कि एक्चुअल में आएंगे, पहले क्या आ नहीं रहे थे, अब जरूर आएंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो बजट का पूरा नतीजा है ये इकोनॉमी के लिए बेहतर हो। अमित जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और, हाँ जी बोलिए। एक चीज और बस मैं बोलना चाह रहा था कि एक अपना अब फेसलेस अपील के फेसलेस असेसमेंट हुई, फिर फेसलेस अपील हुआ, अब फेसलेस ट्राइब्यूनल भी हो रहा है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो अब आपका ट्राइब्यूनल की हियरिंग में भी आप बैठे अपने आप जाने की जरूरत नहीं है, फेसलेस आप बिल्कुल अपने ट्राइब्यूनल की हियरिंग कर सकते हैं। तो इस पे काफी विवाद होगा काफी, क्योंकि एक ट्राइब्यूनल में जाना भी एक बात है, बट आप देखेंगे तो इससे टैक्स पेयर के लिए बहुत फायदेमंद है, और टैक्स ऑडिट की लिमिट भी अब हमारी बढ़ गई है, 10 करोड़ हो गई है, और GST ऑडिट हट गया है, तो नेट नेट ये बजट छोटे टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छा, उनको बहुत सुविधा मिल गई है। जी, बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बात करने के लिए।